मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास थ्री का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है टाइम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग अपनी अपनी बुक सामने रखेंगे, जब हम बुक से बताएंगे तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। चैप्टर नेम टाइम, टाइम मीन्स होता है समय। हम लोग सभी लोग हर काम को क्या करते हैं, समय पे करते हैं। समय हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए समय को समझना बहुत ही जरूरी है। सभी लोगों के घर में घड़ी है, आप लोग सभी लोग घड़ी को देखते हैं। घड़ी में कितने हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं, लेकिन यहाँ अभी आप लोगों को 2 हैंड्स ही पढ़ना है, तो एक बड़ा और एक छोटा। इट हैज अ लॉन्ग हैंड विथ सो मिनट्स, जो लॉन्ग लंबा हाथ जो होता है, जो बड़ा हाथ होता है वो सो करता है मिनट, मिनट को दर्शाता है। इट हैज अ शॉर्ट हैंड विथ सो आवर्स, और जो छोटा हाथ जो होता है वो सूचित करता है आवर्स यानी कि घंटे को। तो घड़ी में कितने हैंड्स हो गए, 2 हैंड्स। लॉन्ग हैंड सो मिनट्स एंड शॉर्ट हैंड सो आवर, ठीक है। हम लोग जानते हैं 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। पूरे दिन में टोटल कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे होते हैं। इसके बाद 30 मिनट्स इक्वल टू हाफ एन आवर, मतलब कि 1 घंटे का आधा। 30 मिनट्स का मतलब होता है कि 1 घंटे का आधा, हाफ एन आवर। और जब 15 मिनट यानी कि क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब आधा घंटा का भी आधा, वो होता है क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब हाफ घंटे का क्वार्टर, 1/4, ठीक है। इस तरह से अब आप लोग थोड़ा यहाँ बुक पे ध्यान देंगे कि यहाँ एक घड़ी है, ठीक है। यहाँ पे एक लंबा सुई का हैंड भी है और एक छोटा हाथ भी है। लंबा हैंड कहाँ है, 12 पे, और छोटा हैंड जो है वो है 8 पे। तो लंबा हैंड हम क्या बताए थे कि वो मिनट को दर्शाता है, और छोटा हाथ जो है वो घंटे को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या कितना टाइम हो जाएगा, 8 o'clock, ये क्या हो जाएगा, 8 o'clock। इसके बाद जब 30 मिनट जब आगे बढ़ता है, अब तो ये कितना हो जाएगा, 9:30, यानी कि उस समय 9:30 बज रहा है। 9:30 को अगर हमें बताना है तो उसे हम क्या बोलेंगे, 9:30। यहाँ पे फिर क्या है, 5, और बड़ा काटा कहाँ है, 12 पे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 o'clock। इस तरह से आप इसे क्या करेंगे, समझ के आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 o'clock, इसमें लिखेंगे 2:30, 2:30, यानी कि ये कितना बज रहा है, 2:30 या फिर 2:30, इसको 2:30 लिखेंगे या 2:30 लिखेंगे। इसमें लिखेंगे 7 o'clock, इसमें 8 या 8:30, इसमें लिखेंगे 5 या 5:30। जब हाफ एन आवर आधा जाता है तब उसको हम क्या लिखते हैं, 8:30, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइम इन क्वार्टर में देखेंगे, जब 15 मिनट तब उसको हम लोग लिखते हैं क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे का 1/4। जैसे आप यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ इसको पढ़ना और इसको लिखना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 12:15, क्या लिखेंगे, 12:15। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20 past 8, इसको कैसे हम पढ़ेंगे, देखिए अगर इधर से हम लोग पढ़ेंगे तो 5:05, 10:05,
पास्ट 15 पास्ट 20 मतलब 12 के बाद क्या होता है कि 5-5 मिनट जो है वो आगे मिनट बढ़ते जाता है। तो जब 12 से 1 पे जाएगा यानी कि 5 मिनट ज्यादा हो गया तो उसको हम पढ़ते हैं जैसे यहाँ 12 है और 1 पे अगर मिनट का सुई है तो उसको हम पढ़ेंगे 12 past 10 2 पे जाएगा तो 10 3 पे जाएगा तो 12 past 15 यहाँ कितने पे है 3 पे है तो इसको या तो हम बोलेंगे 12:15 अगर सिर्फ 15 मिनट ही रहे तब उसको बोलेंगे 12:15 लेकिन 3 से भी 4 पे आ गया तब हम उसको बोलेंगे 20 past 8 ये 11 o'clock यहाँ हो जाएगा 25 past 6 यहाँ 1:15 ठीक है। इस तरह से आप इस चैप्टर को बनाएंगे। यहाँ पे चैप्टर हम लोग देखते हैं 10 का ए यहाँ है ड्रॉ द टाइम बाय द आवर हाफ पास्ट एंड क्वार्टर। आपको यहाँ पे क्या करना है घड़ी दिया गया है टाइम दिया गया है बस उसके हैंड को आपको बताना है कि कहाँ होगा जैसे 3 यानी कि ये 3 o'clock है तो इसमें आवर का जो हैंड होगा वो 3 पे होगा और मिनट का जो हैंड है वो 12 पे होगा तो ये क्या हो जाएगा 3 o'clock। हाफ पास्ट 2 यानी कि 2:30 तो 2 आवर का जो हैंड होगा वो 2 और 3 के बीच में होगा और मिनट का जो हैंड होगा वो 6 पे होगा तो ये हो जाएगा हाफ पास्ट 2 यानी कि 2:30। क्वार्टर पास्ट 7 यानी कि 7:15 का मतलब हुआ कि 7:15 तो एक हैंड जो होगा 3 पे होगा मिनट वाला और आवर वाला जो हैंड होगा वो 7 पे होगा तो इस तरह से आप इसमें हैंड को ड्रॉ करेंगे ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइम बताना है रीड एंड राइट टाइम काउंट ऑफ 5 मिनट्स 5 मिनट्स को काउंट करके बताना है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2:30 या लिखेंगे हाफ पास्ट 2 या इसको लिखेंगे इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ हम लिखेंगे 11:25 या लिखेंगे इसको 25 past 11 इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इस तरह से आप इस टाइम को देखकर आप इसको फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ भी वही है टाइम को देखना है और इसको पास और टू दोनों का उपयोग करके इसको फिल करना है। इस तरह से हम लोग घड़ी देखना सीखे। आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं 24 hours = 1 day मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। 24 hours मेक अ डे मतलब 24 घंटा एक दिन बनाता है। 7 days मेक अ वीक एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं। 28, 29, 30, 31 days मेक अ मंथ एक मंथ में 28 days 29 days या 30 days या 31 days होते हैं। 28 days वाला मंथ कौन सा होता है फरवरी और 29 भी लेकिन 29 कब होता है जब वो ईयर लीप ईयर होता है यानी कि उस लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं तब वो उस ईयर वाला फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। 52 वीक मेक अ ईयर एक साल में 52 वीक मतलब 52 सप्ताह होता है। 12 मंथ मेक अ ईयर एक साल में 12 महीने होते हैं। आप लोगों को मंथ नेम पता ही होगा जनवरी फरवरी आप लोग उसका भी प्रैक्टिस कर लेंगे। उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन यहाँ दिया गया है आप यहाँ देखेंगे। पिक द करेक्ट टाइम टेकन मतलब इस यहाँ पे कुछ वर्क दिया गया है उस वर्क को करने में आप कितना समय लेते हैं।
जैसे टू ईट ब्रेकफास्ट, आप नाश्ता लेकर जब नाश्ता करते हैं तो कितना समय लेते हैं, 10 मिनट या 10 आवर, 10 मिनट या 10 घंटा। तो 10 मिनट में ही आप लोग नाश्ता कर लेते हैं तो 10 मिनट को टिक करेंगे। शार्पिंग अ पेंसिल, पेंसिल को शार्प जब आप करते हैं 1 आवर या 1 मिनट, 1 घंटे तो कोई नहीं लेता है पेंसिल शार्प करने के लिए, उसके लिए 1 मिनट ही काफी है, तो 1 मिनट को टिक करेंगे। वॉकिंग विद द डॉग, डॉग के साथ जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो उसके लिए आपको 20 मिनट चाहिए या 30 डेज चाहिए। तो एक सुबह के लिए तो 20 मिनट काफी है, तो उसमें हम 20 मिनट में टिक करेंगे। बर्थडे कमिंग अगेन, हर किसी व्यक्ति का बर्थडे कब आता है, तो हर हमेशा 1 साल पे ही आता है, 1 वीक या 1 ईयर, सप्ताह सप्ताह आता है या साल में एक बार आता है, तो 1 साल में एक बार आता है, तो इसके लिए हम 1 ईयर में टिक करेंगे। इस तरह से आप इस चैप्टर को बनाएंगे। फिर है एस्टिमेट द टाइम टेकन फॉर, आपको ड्रेसिंग अप फॉर स्कूल, आपको स्कूल के लिए ड्रेसिंग होने के लिए, मतलब ड्रेस अप होने के लिए, कपड़े पहनने के लिए कितना समय लेते हैं, तो आप अपने समय के अनुसार यहाँ फिल करेंगे। कंप्लीट होमवर्क, आपको जो स्कूल में होमवर्क मिलता है उसे आप कितना समय में कंप्लीट करते हैं वो भी आप इसमें फिल करेंगे। प्लेइंग विद फ्रेंड्स, शाम में जब आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं उसमें आप कितना समय लेते हैं उसको भी लिखना है। तो ये सभी चीजें आप अपनी समय के अनुसार लिखेंगे। इसके बाद है स्टडी द गिवन मंथ एंड आंसर, इसको देखते हुए यहाँ पे आपको आंसर भरना है। राइट द डेट ऑफ द सर्किल नंबर, इसमें जो सर्किल, जो नंबर सर्किल है वो लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा 28 क्योंकि 28 सर्किल है। हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने दिन, इस मंथ में कितने दिन है, तो इस मंथ में टोटल 29 डेज है, तो इसमें लिखेंगे 29 डेज। इट इज अ लीप ईयर, क्या यह लीप ईयर है, तो अभी हम बताए थे कि जब फरवरी 29 डेज का होगा तो वो ईयर लीप ईयर होगा, तो यानी कि हाँ ये लीप ईयर है, तो इसमें हम क्या टिक करेंगे, यस। हाउ मेनी मंडे आर देयर, इसमें टोटल कितने मंडे हैं, तो टोटल 1 2 3 4 5, 5 मंडे है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, 5। इस तरह से आप इस कैलेंडर को पढ़ेंगे और यहाँ इसका आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। आप इसे अच्छे से समझकर इसके चैप्टर का सारा क्वेश्चन बनाकर लाएंगे।